नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका फिर से एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोगों के पास। बताने वाला हूँ कि सलीम ने खत भेजा है शबनम को। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट, क्योंकि हम लोग लगातार शबनम के ऊपर चर्चा करते हैं और शबनम के बारे में आपको सटीक जानकारी आप लोगों तक पहुँचाते हैं, लेकिन आज इस जानकारी में आपको बताने वाले हैं कि सलीम का क्या हाल है। सलीम क्या शबनम को जो खत भेजा उसमें क्या कुछ लिखा है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सलीम ने कौन सी ऐसी बात कही है शबनम के बारे में, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों सलीम और शबनम दोनों अलग अलग जेल में बंद है और दोनों का मुलाकात होना असंभव है, इसीलिए शबनम से मिलने के लिए सलीम दिन रात ये दुआ करता है कि किसी भी तरह से शबनम की एक झलक मिल जाए। तो इसके लिए सलीम कविता लिखता है, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, भले वो पढ़ा लिखा ना हो, उतना पढ़ा लिखा ना हो, चौथी पास है, तो फिर भी वो कुछ लिखता रहता है जेल में और इस चीज़ को लोग भी पढ़ते हैं। यानी ये अभी कहा जाता है कि सलीम जो है वो शायर हो चुका है। इसी बात को देखते हुए सलीम ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें बताया गया है कि वो शबनम से निकाह करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, जब ये बातें जब शबनम को पता चली तो शबनम बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई और उसने कहा कि ये अभी के समय में जो दोनों ने किया उसके बाद अगर निकाह किया जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा गलत होगा। तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी ज़्यादा खबरें जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर पल की अपडेट आपको हमारे चैनल के द्वारा सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इतने वीडियो में इतनी अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।